के दौरान बवाल, झोपड़ियों में लगी आग, गुस्साई भीड़ ने वाहनों में की तोड़फोड़। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के मेरठ जिले में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ हाथापाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो लोगों ने फायरिंग करते हुए पुलिस कर्मियों से वायरलेस और हथियार छीन लिए। ये रिपोर्ट देखिए। एक छोटी सी चिंगारी और हो गया बवाल। अतिक्रमण हटाने पर बवाल, पुलिस कर्मियों से छीने हथियार, उपद्रवियों ने 150 से ज्यादा झुग्गियों में लगाई आग। मेरठ की भूसा मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। अतिक्रमण लोगों ने पुलिस और कैंट बोर्ड की टीम पर पथराव कर एक पुलिस कर्मी से वायरलेस सेट और कैंट बोर्ड से सुपरवाइजर का मोबाइल लूट लिया। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में कुछ असामाजिक तत्वों ने झुग्गियों में आग लगा दी। देखते ही देखते 150 से अधिक झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। लोगों का आक्रोश मेहताब सिनेमा होते हुए दिल्ली रोड पर भी जा पहुंचा। दोनों जगह हंगामे के दौरान पथराव, फायरिंग, आगजनी, तोड़फोड़ करते लोगों को पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ा। सर, ये यहाँ पे पब्लिक का आरोप है कि पुलिस ने मस्जिद में और इलाके के अंदर आग लगाई, इस पर क्या कहना है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी इनके आरोप हैं उसके संदर्भ में समुचित साक्ष्य के साथ समुचित कार्रवाई की जाएगी। वही मैंने आपको बताया जैसा मैडम, समुचित साक्ष्य के आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी तथ्य हटाने का अभियान था जिसमें पुलिस बल भी उसके साथ लाइन ऑर्डर के लिए आया हुआ था। अतिक्रमण हटाने के बाद यहाँ से जब पुलिस बल मूव कर रहा था उसी समय यहाँ पर आग लगी है और कई पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो टीम आई थी उसके द्वारा ये कार्य किया गया है। जो भी तथ्य होंगे, जो भी सही है, उसमें कार्रवाई की। शहर में फैली अफवाह, बाजार पर लोगों ने करीब 2 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की कोशिश की। पुलिस सड़क पर उतरी तो छतों से फायरिंग की गई। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली रोड पर वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया। मेहताब आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। रात तक हालात तनाव पर रहे। दो संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे पर झुग्गियों में आगजनी का आरोप लगाया। भैया, क्या मामला होता है यहाँ पर? क्या हुआ, घर बनाने के लिए पैसे लेने आए थे यहाँ पर कुछ अधिकारी। अच्छा, उनको मना कर दिया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, क्या उसके बाद में एक अधिकारी आग लगा के चला गया इसके अंदर। क्यों क्या वजह थी जो अधिकारी ने आग लगाई है? ये घर बन रहे थे, बस अभी मना कर दिया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा, कितने मकान बन रहे थे यहाँ पर? एक ही घर बन रहा था बस खाली। अच्छा, पैसे लेने के लिए आए थे। कौन अधिकारी था जिसने ये आग लगाई? सर, कौन था? कितने मकानों में आग लगी है? मेरा सारा नया देश जल गया, मेरी वाइफ को, मेरी गाड़ी पानी सब अंदर जल गई। कितने लोग थे उस टाइम मकान के अंदर? मेरी कौन था कौन नहीं। आपके परिवार के कौन कौन लोग थे यहाँ पर? मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं यहाँ पर। कोई परिवार में शादी थी कोई हाल फिलहाल में? मेरी बहन के साथ भी सारा सामान जल गया, मेरा सारा देश था, मेरी वाइफ का देश पूरा जल गया। मेरी शादी में साल हुआ। किस बात के पैसे मांग रहे थे? बस ये घर बनाते हैं तो उनके पैसे मांगना आते हैं, उन्होंने मना कर दिया होगा तो मारपीट शुरू कर दी, फिर उसके बाद मैं घर में आग लगा दी। कब की घटना ये? चार बजे साढ़े तीन के टाइम पर। वही उपद्रवियों ने दिल्ली रोड पर 2 दर्जन कार, बाइक और करीब 8-9 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ कर दी। देखते ही देखते क्षेत्र के कई बाजार बंद हो गए। तनाव के बीच भारी पुलिस बल स्थिति को नियंत्रण करने में जुटा है। जगह जगह भीड़ भी जमा हो रही है। बहरहाल, एक छोटी सी चिंगारी और उसके बाद न जाने कितनी झुग्गियां आग की लपटों में समा गई। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।